Hello students, this is Rahila Khurshid and welcome to Study Hub. Firstly, I really want to apologize क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, but I was not feeling well, तो मैं नहीं कर पा रही थी अपलोड, but इंशाल्लाह अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं continuously lectures अपलोड करूँ per day. So आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन. So let's start. सो वट इज़ दिस रेस्पायरेशन? अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो क्या होता है रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है. मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ब्रेकडाउन एज वेल एज फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अगर किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो साइमल्टेनियसली किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इक्वल्स टू कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, जब एक कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि एक और एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. यानी कि जहाँ पे किसी चीज़ की फॉर्मेशन एज वेल एज ब्रेकडाउन होती है तो उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. तो रेस्पायरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, रेस्पायरेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑकर होता है. ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज़म्स के सेल के इनसाइड होता है. ठीक है, विद इन द सेल्स ये ऑकर होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म के. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी यानी कि एटीपी दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रोसेस में ये जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे पास बनता है दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, यानी कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, यानी कि मैंने कहा था मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो दैट मीन्स किसी की ब्रेकडाउन हो रही है, तो यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और फॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की दैट इज़ एटीपी की. ठीक है, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये जो प्लांट सेल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज़म्स के सेल हैं ये फर्दर उसको यूज़ करते हैं बाद में वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो यही है हमारा रेस्पायरेशन. फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रेस्पायरेशन जो है ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है. मेटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन भी होती है एज वेल एज फॉर्मेशन भी होती है. ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज़म के अंदर ऑकर होता है. ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो ऑर्गेनिज़म के सेल के विद इन होता है, इनसाइड द सेल होता है, और यहाँ पे बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है ये एक ऑर्गेनिज़म जो है बाद में यूज़ करता है फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस. ठीक है, ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ये हर एक लिविंग स्पीशी जो है यूज़ करती है या फिर परफॉर्म करती है, चाहे वो कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म हो या फिर कोई भी बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हो. हर एक ऑर्गेनिज़म रेस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है. विदाउट रेस्पायरेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. ठीक है, सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पायरेशन. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन की. हमारे पास कितने टाइप्स के रेस्पायरेशन होते हैं? ब्रॉडली हमारे पास टू टाइप्स के रेस्पायरेशन होते हैं. वन इज़ एरोबिक रेस्पायरेशन जो कि यहाँ पे है, एंड अनदर वन इज़ एनारोबिक रेस्पायरेशन. ठीक है, एरोबिक. ठीक है, ए मीन्स प्रेजेंस, सॉरी यहाँ पे जो एरोबिक है, एरोबिक का मीन्स मतलब है प्रेजेंस, एंड एन एरोबिक, एन का मतलब है यहाँ पे एब्सेंस. अब प्रेजेंस और एब्सेंस किस चीज़ के है वो हम देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पायरेशन ऐसे टाइप का सेलुलर रेस्पायरेशन होता है. वाई सेलुलर रेस्पायरेशन? क्योंकि मैंने पहले कहा था, क्या कहा था, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो विद इन द सेल्स ऑकर होता है, दैट इज़ वाई सेलुलर रेस्पायरेशन. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन ऐसा सेलुलर रेस्पायरेशन है जो कहाँ पे ऑकर होता है या फिर कहाँ पे मतलब ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑकर होता है. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पायरेशन परफॉर्म नहीं होगी. ठीक है, ये रेस्पायरेशन प्रोसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके. ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो किसी भी इंडिविजुअल या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स के सेल्स के इनसाइड परफॉर्म होता है या फिर ऑकर होता है.
इस एरोबिक रेस्पिरेशन को हम सिंपल एक इक्वेशन से या फिर एक रिएक्शन से देखेंगे. ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 ये कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, मतलब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और एनर्जी की, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, एक बार फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा सेलुलर टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑकर होता है और फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एनर्जी की. ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के विद इन ऑकर होता है. इसको हम एक इक्वेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये फॉर्मेशन करता है या फिर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, दिस वॉज एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑब्वियसली जो एरोबिक होगा उसका अपोजिट एनारोबिक होगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑकर होता है या फिर परफॉर्म होता है और प्रोडक्शन होती है एनर्जी की. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑकर होता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी. ठीक है, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या आएगी? ग्लूकोज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है अल्कोहल की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ ATP. दिस वॉज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे ऑकर होती है इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ यू नो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सॉरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. सो इसीलिए हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी नॉरिशमेंट को फुलफ़िल करने के लिए या फिर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए. ठीक है, क्या होता है कि जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सेपरेटली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये परफॉर्म करते हैं सेपरेटली. ठीक है, लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं जो कि टिनी पोर्स होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है इन स्टोमेटा की वजह से या इन स्टोमेटा के थ्रू ये जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है ये यूज़ किया जाता है बाई सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्रेकडाउन हो सके ग्लूकोज का इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये सिंपल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का इन प्लांट्स. फिर से एक बार देखते हैं, जो हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो कैसे होता है. जो हमारे डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स हैं, दैट इज डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. ठीक है, हेंस जो ईच पार्ट होता है, हर एक पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, क्या होता है, जैसे लीव्स, स्टेम्स और रूट्स हैं, ये सेपरेटली अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं. जैसे हमारे लीव्स जो है, लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा जो है टिनी पोर्स होते हैं, ये हम सबको पता है, ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. कैसे, ऑक्सीजन कंज्यूम जो किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू वो यूज़ किया जाता है बाई सेल्स ऑफ द लीव्स ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, डिस्टिंग्विश हो सके, फिर ब्रेकडाउन हो सके ग्लूकोज का इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दिस वॉज द सिंपल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब हम देखते हैं रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है. जैसे हमने बोला कि प्लांट का हर एक पार्ट जो है ये सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे होता है. रूट्स क्या करता है, जो अंडरग्राउंड रूट्स क्या होता है, रूट्स जो है ये अंडरग्राउंड ग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ये एब्जॉर्ब करते हैं एयर को फ्रॉम द एयर गैप्स. ठीक है, यानी कि जो हमारा सॉइल होते हैं, जो हमारा सॉइल होता है जिसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, उस सॉइल में जो एयर गैप्स होते हैं या फिर जो स्पेसेस होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उसके थ्रू ये जो रूट्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं एयर. ठीक है, हेंस ये जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन होती है या फिर एब्जॉर्ब एयर होती है जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब की गई होती है,
ये यूटिलाइज़ की जाती है ताकि लिबरेट की जा सके एनर्जी, और जो फ्यूचर में फिर यूटिलाइज़ होती है ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स किया जा सके फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. रेस्पिरेशन इन रूट्स क्या होती है? रूट्स जो है हमारे वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन या फिर एब्जॉर्ब करते हैं एयर को फ्रॉम द एयर स्पेसिस या फिर जो एयर गैप्स होते हैं इन द सॉइल पार्टिकल्स, वहाँ से ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन होता है ये लेटर ऑन यूटिलाइज़ किया जाता है एनर्जी लिबरेट करने में, और ये एनर्जी जो होती है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स करने में यूज़ होती है. दिस वॉज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. रेस्पिरेशन इन स्टेम्स कैसे होता है? जो जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो सिमिलरली दैट ऑफ लीव्स वैसे ही स्टेम जो है हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है बाय द यूज़ ऑफ स्टोमेटा. वो एब्जॉर्प्शन करता है गैसेज की थ्रू स्टोमेटा. उसके बाद क्या होता है, उस गैस को या फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एनर्जी लिबरेट करने के लिए. ठीक है. तो सिमिलरली जैसे प्लांट्स, जैसे लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्टेम्स में भी थ्रू स्टोमेटा गैस की एब्जॉर्प्शन होती है. और जो लेंटिसल्स होते हैं, कुछ यू नो गैप्स, वी कैन से गैप्स होते हैं, ये जो लेंटिसल्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं गैसेज एक्सचेंज इन वुडी या फिर हायर प्लांट्स. कौन से? ये लेंटिसल्स. ठीक है. ये क्या परफॉर्म करते हैं? गैसेज एक्सचेंज इन हायर वुडी प्लांट्स. ठीक है. दिस इज़ रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन इन लीव्स. जैसे मैंने कहा, जैसे स्टेम्स में या फिर लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे स्टेम्स में स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस होता है, वैसे ही लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा जो है ये टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ये स्टोमेटा जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. ठीक है. जो गार्ड सेल्स होते हैं हमारे, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड करते हैं किसको? स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं या फिर स्टोमेटा को गार्ड करते हैं वीकेंड से. और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये कैसे ऑकर होता है? जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज गार्ड सेल्स होता है या फिर जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, उस वक्त क्या होता है, रेस्पिरेशन या फिर गैसेज एक्सचेंज ऑकर होता है. सो दिस वॉज रेस्पिरेशन इन लीव्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो फोटोसिंथेसिस था और अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा. अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. तो पहला पॉइंट है, जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. किसकी फॉर्मेशन होती है? यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. एंड रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, वो भी जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है ये कहीं भी लिमिटेड नहीं है, ये हर एक प्लांट और हर एक एनिमल में ऑकर होता है. फोटोसिंथेसिस के लाइट के लिए लाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं हो सकता है. बट ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन के लाइट के लिए लाइट की कोई नीड नहीं है. रेस्पिरेशन विदाउट लाइट ईजिली हो सकता है. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी जो सेल ऑर्गेनली है कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है और रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑकर होता है. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज जो है ये एंड प्रोडक्ट है और रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है एंड ऑक्सीजन जो है गिवन आउट होता है. यानी कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है एंड स्टार्ट प्रोडक्ट्स जो इसमें यूज़ होते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसमें? फोटोसिंथेसिस में. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है ये स्टार्ट प्रोडक्ट होता है या फिर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये एंड प्रोडक्ट होते हैं. फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है ये यूज़ की जाती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है रिलीज़ की जाती है. फोटोसिंथेसिस मेनली डे टाइम पे होता है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. ये डे एंड नाइट दोनों टाइम पे होता है. फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. रेस्पिरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है. यानी एक यू नो एनहेंसर होना चाहिए रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए, कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ क्लोरोफिल. और रेस्पिरेशन में किसी भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है. ठीक है.
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो डे वेट होता है प्लांट का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फूड की फॉर्मेशन होती है तो उस फूड का भी वेट ऐड हो जाता है। तो डे टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे ही ऑकर होता है, तो डे टाइम पे वेट जो है उस प्लांट का वो इंक्रीज हो जाता है। एंड रेस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, डे वेट उस प्लांट का डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस फूड जो फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।